तो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, राइट सर। फाइनली हमारे जो है सीयूईटी के जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। तो भैया, अब हम क्या करें, आगे का क्या प्रोसेस रहने वाला है, और कैसे जो हम कॉलेजों में अप्लाई करें, और कैसे हमें एक सीट अच्छा मिला देखने को मिलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम देख लेते हैं अपडेट, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सी यूनिवर्सिटियाँ बहुत ही कम सेलेक्ट की होगी, तो आप जो है पोर्टल पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा अभी यूनिवर्सिटियाँ ऐड करने का। साथ में एक और अर्जेंट अपडेट है, बहुत सारे बच्चों के फॉर्म के अंदर करेक्शन है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले अपने अप्लीकेशन फॉर्म में जो है करेक्शन जरूर कर ले। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी, आई थिंक 27 से लेकर 29 के आसपास, या फिर 30 अक्टूबर तक जो है आपको ये इसका टाइम दिया जाएगा, ठीक है। अक्टूबर से पहले पहले करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा। आप अपने फॉर्म के अंदर जो है करेक्शन जरूर करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप यूनिवर्सिटियाँ ऐड भी कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड यूनिवर्सिटियाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है आपको वही यूनिवर्सिटी काम आएगी या फिर वही कोर्स काम आएगा जिसका आपने एग्जाम दिया है। कट ऑफ का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आपका ऑलमोस्ट कितना कट ऑफ जाएगा, ठीक है। जनरल वाले 190+ तक मान के चलो। इंडिया की सबसे बेस्ट सीयूईटी एडमिशन गाइडेंस इंडिविजुअल प्लान हमने ऑलरेडी चला रखा है, फुल आपका एडमिशन कंप्लीट करा दिया जाता है ओनली फॉर 1999 रुपये के अंदर। जरूर से जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है बिकॉज लिमिटेड काउंसलर्स आर अवेलेबल, ठीक है। आपको जस्ट ये प्रडिक्ट किया जाता है स्पेशली अकॉर्डिंग जस्ट लाइक बेसिस होते हैं इतने साल के हिसाब से कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ रहने वाला है, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, सारा क्या सारा सीन है किन कॉलेजों का, सब कुछ। साथ में आपके डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन एंड फॉर्म फिलिंग, ठीक है। आप बहुत सारे बच्चे फॉर्म फिलिंग में भी मिस्टेक कर देते हैं, और आप लोग जो है एक चीज़ का बिल्कुल ये ध्यान रखें कि यूनिवर्सिटी में जो जिस प्रकार से जो मांग रहा है डोमेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट मांगा है मैथमेटिक्स, एंड दो सब्जेक्ट आप कोई से भी डाल सकते हो, देन आपको ये जरूरी नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री डालो, जिसमें आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स हो आप वो सब्जेक्ट डालो, ठीक है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखो, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ सी यू टी पेड काउंसलिंग प्लान या फिर एडमिशन गाइडेंस प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके रखें, साथ में आपका ओबीसी या फिर जस्ट लाभ जो भी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए, असिस्टेंट सर्टिफिकेट भी अप्रैल 2022 के बाद का बना होना चाहिए। फिर जस्ट लाइक अप्लीकेशन फॉर्म्स हर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग खुलेंगे, साथ में आपको जो है उनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट भी कुछ देना होता है, एंड वो आपको जस्ट लाइक एडमिशन ऑफर करती है। उसके बाद आपके स्पॉट एडमिशन कंडक्ट होंगे, आपको कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऑफलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, देन इस प्रकार से आपका जो है एडमिशन कंडक्ट किया जाता है सीयूटी में, ठीक है। थैंक यू।